खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए वैसे यस्व के अजीम बाबर का जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदाम की सलामती हो आज का दिन पूरी दुनिया में नहाय अकीदत एहतराम से इबादत की सूरत में मनाया जा रहा है आज का दिन जिसे हम याद करते हैं मुबारक जुमा और गुड फ्राइडे के नाम से मुबारक इसलिए यसु ने आज पूरी इंसानियत के लिए अपने आप को स्लीप पर कुर्बान कर दिया और हमारे सब गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के हकदार ठहरे और ये तब ही मुमकिन है जब हम अपनी पुरानी रवशों को छोड़ दें और खुदा में यसुसी के बताए सुनों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और ये इसीलिए ही आज मुबारक जुमा है ताकि हम उसको अपने पूरे ईमान से पूरे दिल और जान से उसे कबूल करें आज स्टूडियो में हमारे साथ खुदा के खादबीन मौजूद हैं जो खुदा की ज़ुबान मुबारक यसम सी की ज़ुबानी मुबारक से निकले हुए आखिरी सात कलमात को पाकरू की हदायत में उनकी तफसीर हमें बताएंगे मैं आपका बेहद शुक्र गुज़ार हूँ कि लास्ट ईयर आपने इस प्रोग्राम को बहुत सराहा और अपनी फीडबैक से आगाह किया तो अभी वक्त है कि हम खुदावन की वारिक से एस यू में आप सबकी सलामती हो हमारी नसीहत और रहनमाई के लिए खुदावन के जिंदा पा कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत पहला कलमा मुआफी का कलमा हम देखेंगे लुका तबीब का अंजीली बयान उसका तेईसवा बाप और उसकी चौंतीसवीं आयिसे के कलाम में लिखा है यस्सु ने कहा ए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते के क्या करते हैं पा कलाम का पढ़ और सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत हो आमीन खुदामद का शुक्र हो अज़ीज़ो हम देखते हैं कि खुदामद यस्सु ने उस सलीब पर हमारे लिए जान दी है उसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं कांटों का ताज पहना है उसने हमारे लिए बहुत गमों को बर्दाश्त किया है और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके मार खाने होन बहाने से तुमने शिफा पाई है अजीज व आज हम देखते हैं कि खुदा मंद यसु मसीह ने सिर्फ ये नहीं कहा कि बाप इनको माफ़ कर बल्कि खुदांदु मसीह ने क्या ये ख़ुद हमको करके दिखाया ये सारा एक्ट किया है उसने अपने आप को छोटा किया है उसने अपने आप के ऊपर सारे जो लानते जो हमारे ऊपर आने की थी तो खुदांद ने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उसके बेटे बेटियाँ उसकी बरकत का बायस बने तो अजीज हम देखते हैं खुदांद का कलाम आज मुझे और आपको सिखाता है कि यस्सु ने कहा है बाप इनको माफ़ कर तो हम देखते हैं इसी में हवाला में लूक की अंजील में आगे हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखे और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कूड़ा डाला और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे इसने औरों को बचाया अगर ये खुदा मसीर उसका बर्ग जीदा है तो अपने आप को बचाए अजीज हम देखते हैं कि आजकल की जो दुनिया है खुदा ने हमें अपनी तसल्ली दी है कि उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो वो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे जब मेरे सबब से लोग तुम्हें सताएंगे तुम पर लान तान करेंगे तुम पर ठट्ठे मारेंगे तो तुम खुश होना और खुशी मनाना क्योंकि इसका क्या है तुम्हारे लिए अज्र है तो आज हमें आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी बात है लोग आप पर ठट्ठे करते हैं आपको छेड़ते हैं तो आपको क्या करना है खुदा की इस बात को याद करना है कि मेरे खुदा ने कहा कि तुम खुश होना और खुशी मनाना क्योंकि इसके लिए क्या है तुम्हारे लिए अज्र है और हम आगे देखते हैं कि उन्होंने खुदा को ऐसी ऐसी बातें की कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की कि तू यहूदियों का बादशाह तो अपने आप को बचा हम देखते हैं कि उन्होंने खुदा की आजमाइश करनी चाहिए क्या खुदा अपने आप को बचा नहीं सकता था अजीज वो अपने आप को बचा सकता था वो सब कुछ कर सकता था लेकिन वो सब कुछ उसने क्या किया अपने खुदा की अपने बाप की फरम्बरदारी की उसने ताब्यादारी की ताकि खुदांद यीशु मसीह अपने बाप की ताबियादारी उन लोगों के लिए जिस तरह वो लोग जो जकड़े थे जो कैद में थे जो मुश्किल में थे खुदांद उनके लिए आया ताकि मेरे बेटे बेटियां आजाद हों हम खुदा के कलाम में देखते हैं रोमियो पाँच बाप और उसकी उन्नीस साइट में क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनागार ठहरे उसी तरह एक की फरमंबरदारी से बहुत से लोग रास्ते ठहरेंगे इसी तरह हम देखते हैं कि एक ही शख्स कौन था आदम और हवा उन्होंने क्या किया खुदाम की नाफरमानी की उन्होंने खुदामद ने उन्हें एक फल खाने को मना किया था और उन्होंने क्या किया उन्होंने अपने दिल की आवाज को सुना अगर हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो खुदाम का कलाम हमें सिखाता है कि दिल क्या है तरह तरह शैतान ने क्या किया ये खा, ये देखने में बहुत है। और वो हवा क्या थी उसकी बातों में आ गई तो उसने क्या किया वो फल अपने शोहर को भी दिया और इसी तरह हम सारा प्रोसीजर देखते हम सब जब कलाम को पढ़ते तो हमें पता है कि ये क्या क्या था तो उसने क्या किया जब खुदावन युन से मिलने को आए तो उन्होंने जब आवाज दी ए आदम ए हवा तू कहा है तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया कि हम नंगे हैं तो खुदांद ने कहा कि तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो फिर आदम ने क्या किया उसने बताया कि जो औरत तूने मुझे मुझे दिया उसने मुझे फल खिलाया और फिर हम देखते हैं औरत ने क्या कि कहा कि जो शाम था उसने मुझे कहा आज आजीजा हमारी जिंदगी में क्या है इसी तरह गुनाह है खुदाउंद के कलाम को अगर आप यकूब नबी के खत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है अगर गुनाह करके मुक्के खाते हो और सबर करते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा नहीं है अगर तुम मुक्के खाते हो और सबर करते हो तो यह क्या है खुदा के नजदीक पसंदीदा है जीज़ो जब आप खुदावन की मर्जी से जब रास्त के सबब से सताए जाते हैं और एक दूसरे को माफ़ करते हैं तो ये खुदाद के नज़दीक पसंदीदा है अगर आप गुनाह करके मुक्के खा रहे हैं तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा नहीं है इसी तरह आज हमारी जिंदगी में भी क्या है हमारी जिंदगी में कोई दुख कोई तकलीफ कोई परेशानी आती है तो हम एक दूसरे का नाम लगाते हैं कि फला ने मुझे ऐसे कहा था और फला ने मुझे ऐसा किया था आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि जिस तरह खुदावंद येसु मसीने अपने बाप की फरमंबरदारी की हमें भी आज क्या जरूरत है फरमंबरदारी करनी है खुदा के कलाम को फॉलो करना है उसके ताब्या होना है और जिस तरह हम खुदा के कलाम में देखते हैं इसी तरह हम लुका की अंजील में देखते हैं उसकी बाप में से ही उसकी थर्टी से, कि फिर जो बदकार सर लीप पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यू ताना देने लगा कि क्या तू मसी नहीं तो अपने आप को और हमको बचा मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाज भी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया फिर उसने कहा यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना उसने इससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा अजीजों कितनी खूबसूरत बात है खुदांदु के साथ जो दो डाकू थे वो सलीब पर लटकाए हुए तो एक क्या था खुदा उनस्सु पर उंगली उठा रहा था और दूसरा क्या था उसको डांट रहा था ऐसा क्यों कर रहा है कि हम हमारी जो सजा है वो वाजबी है हमने गुनाह किया है लेकिन वो जो हमारे साथ है उसने कोई गुनाह नहीं किया उसको उसने झिड़का और खुदांद यस्सु को हम उसकी जिंदगी पर गौर करते अगर कर वो सलीब पर चढ़ा था तो उस वक्त भी उसके अंदर क्या थी मोहब्बत थी उसने दूसरे का कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा आज अजीजो हमारे पास वक्त है खुदावन ने हमें वक्त दिया अगर आज हम जिंदगी के किसी भी मोड़ पे हैं आज अगर हम खुशहाल हैं तो भी इसको कबूल करें अगर आज आप बीमार हैं बिस्तर पर पड़े हैं तो आज भी आप खुदावंद को कबूल करें खुदांद आज आपसे भी कहेगा कि तू आज मेरे साथ फिर दोस्त होगा खुदावंद अजीजो हमारे साथ रफाकत रखना चाहता है वो हमें अपनी बादशाही में दाखिल करना चाहता है इसी तरह हम खुदामंद के कलाम में देखते हैं उसका दस बाप और उसकी सत्रह आयत में के दिल अपनी जान के साथ नेकी करता है लेकिन बेरहम अपने जिसम को दुख देता है अजीज़ो व खुदाम का कलाम हमें सिखाता है कि जब हम अपने दिल को सख्त कर लेते हैं तो क्या करते हैं हम अपने ही साथ बुरा करते हैं जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो अपनी जान के साथ नेकी करते हैं तो आज हमें क्या करना है अपने दिल को सख्त नहीं करना जबूर पचानवे में लिखा है कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिल को सख्त ना करो आज हमें क्या करना है एक दूसरे को माफ करना है आज हमें खुदावन के कलाम को अपने अंदर लेने की जरूरत है और जिस तरह खुदावन ने उस लीप पर चढ़कर हमारे हर एक गुनाह को माफ किया है तो खुदावन यस्तु मसीह को हम देखते हैं हमारी हालत जैसी भी है वो हमें हर हालत में कबूल करता है तो इसी तरह खुदावन यस्तु हमें सिखाता है कि आपके साथ किसी ने जो भी बुरा किया है आपको भी क्या करना है एक दूसरे को कबूल करना है क्योंकि जब हम एक दूसरे को कबूल करेंगे तो हम खुदा की बादशाही में शामिल होंगे क्योंकि खुदा उनके कलाम में इसवी और चार बाप में लिखा है गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो सूरज के डूबने तक तुम्हारी हफकी ना रहे और अबलीस को मौका ना दो अजीज़ो खुदांद का कलाम हमें सिखाता है कि तुम गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो अजीज़ों हम देखते हैं यसु मसीह को भी कि जब वो हैकल में गए तो उन्होंने देखा कि हैकल में लोग कारोबार कर रहे हैं और उस हैकल को तबाह बर्बाद करें तो खुदांदु को गुस्सा आया और खुदांदु ने गुस्से से उन चीज़ों को इधर उधर फेंका लेकिन उन्होंने साथ हमें यह भी बताया है कि गुस्सा करो मगर गुना ना करो आप ये नहीं कि गुस्से में गुना कर दो बल्कि क्या करो सूरज के डूबने तक तुम्हारी हफ्की ना रहे और अब्लीस को मौका ना दो अजीजो आपको क्या करना है अब्बलीस को मौका नहीं देना आपकी जो भी हफ्की है उसको शाम तक खत्म करना है और दूसरे के साथ सुलह करना है खुदावन ने कहा कि तुम बच्चे की मानित बनो खुदावन ने अपनी बादशाही को बच्चे की मानित के तौर पर बताया है और आज हमें जरूरत है कि हम एक दूसरे को माफ करें एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो खुदावन क्या है हमारे गुनाहों को भी माफ़ करेगा इसी तरह हम देखते हैं खुदावन मसी ने जब भी कलाम किया खुदावन यस्सु ने तमसीलों में कलाम किया हम मफ़ बेटे की जो कहानी से वाकिफ हैं कि जब उसके बाप के पास जो भी उसका था उस बेटे ने कहा कि बाप मेरा जो भी जमा होता है तो मुझे दे दे और उसने बाप से लिया और अपने दोस्तों के पास चला गया और उसको अपनी बद चलनी में ख़त्म कर दिया और जब उसने अपना सारा माल जो था उसको बदचलनी में ख़त्म कर दिया ऐशो इशरत में गुजार दिया तो वो क्या हुआ बहुत उसके बुरे हालात हो गए और वो क... उसको क्या हुआ कोई जॉब भी ना मिली और उसने क्या देखा सुबरों के पास उसको जगह मिली और वहां पर उसने क्या किया सुबरों के साथ बैठकर उसके वो जो दाने थे वो भी खाए और जब वो वहां पर बैठा अपनी जिंदगी पर गौर कर रहा था कि मैंने क्या किया उसने अपनी जिंदगी पर गौर किया कि मैंने अपने बाप को दुख दिया है और मैं अपने बाप के पास जाने के लायक नहीं हूँ मैं अपने बाप का गुनागार ठहरा हूँ तो उसने अपने दिल में कहा कि मेरा बाप जहां पर है वहां तो उसके जो नौकर है वो भी अफराज से खाते हैं तो उसने कहा कि मैं जाऊंगा और मैं कहूँगा अपने बाप से कि बाप तू मुझे अपने नौकरों की तरह बना ले तो उसने क्या कि अपने बाप को याद किया और अपने बाप के पास वापस लौटा और हम देखते हैं कि बाप वहाँ पर दूर फैलाए फैलाए हुए अपने बेटे का इंतजार कर रहा था अजीज़ उसके दिल में था कि मैं नौकरों की तरह अपने बाप की क्या करूँगा हिदमत करूंगा लेकिन बाप जो है वो कभी अपने बेटे को नौकर नहीं कहता वो अपने बेटे को हमेशा बेटा बनाता है जब बाप ने देखा दूर से कि उसका बेटा आ रहा है तो बाप ने उसको गले से लगाया उसको चूमा उसको रिंग पहनाई उसको अच्छे पोशाक पहनाई उसको अच्छा जूता बनाया और फिर से क्या किया उससे वो राबता था उसको बहाल किया इसी तरह अजीजो खुदावन ने पर कर हमारा जो खुदा से टूट गया था उसको खुदावन ने पूरा किया ताकि हम क्या करें उसके में झुक सके और उसके बेटे बेटियां बन सके आज अजीजों हम खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि अजीजो जब हम अपने दिल को सख्त करेंगे तो हम अपनी बर्तों को खो देंगे जब आप अपने दिल को नरम कर लेंगे तो खुदावन क्या करेगा आपके लिए कसरत से अपने आसमान को खोलकर कसरत से आपको बरकते देगा आज को आ, आज आपको क्या करना है खुदा की बात को सुनना है और जो सलीब का पैगाम है वो आज मेरे लिए और आपके लिए है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है